हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, जितने सारे लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से शायद ही कोई बंदा ऐसा होगा जो है ऑनलाइन का ट्रांजैक्शन नहीं करता हो, चाहे वो छोटा से छोटा व्यापारी हो या फिर बड़े से बड़े व्यापारी हो या फिर आप जो यूट्यूब देख रहे हो वो मैं यूट्यूब चला रहा हूँ वो, यानी कि जितने सारे लोग हैं वो लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 जनवरी 2022 से गूगल पे जो है वो अपने सर्विसेज को चेंज करने वाला है और अपने नियम को कुछ बदलाव करने वाला है। अगर आप गूगल पे का इस्तेमाल करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा अपडेट और या फिर ऐसा एक जानकारी देने वाला हूँ जिसके बारे में आपका जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप गूगल पे का इस्तेमाल करते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिना देरी के उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, इसी तरह की अमेजिंग वीडियो हम आपके लिए हमेशा लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सब लोगों को पता होगा ही, अगर आप गूगल पे का इस्तेमाल करते हो, जब भी आप किसी भी चीज़ के लिए गूगल पे से पेमेंट करते हो या फिर किसी को कोई भुगतान करते हो तो आपको सिर्फ एक बार ही अपने कार्ड नंबर को सेव करना होता है। यानी कि अब मान लीजिए मेरा कोई बैंक अकाउंट है, अब मैं अपने किसी एटीएम कार्ड से या फिर किसी बैंक से भी किसी दूसरे को पेमेंट करना चाहता हूं तो हमें सिर्फ 2 या 3 चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो हमें अपना एटीएम कार्ड नंबर डालना होता है जो कि 16 अंक होता है, उसके साथ ही साथ उसमें जो एक्सपायरी डेट होता है उसे डालना होता है, उसके साथ ही साथ जो एटीएम के पीछे में लिखा होता है 3 अंकों का कोड होता है उसे भी डालना होता है। तो फ्रेंड्स, एक बार इन कोड को डालने के बाद हम गूगल पे में इसे सेव कर देते थे, जिसके बाद दोबारा जब हम किसी को पेमेंट करना होता था तो सिर्फ हमें अपना यूपीआई पिन ही डालना पड़ता था। लेकिन 1 जनवरी 2022 के बाद आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जितना बार आप किसी को पेमेंट करोगे हर बार आपको इन प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि जैसे कि आपने एक बार पेमेंट कर दिया तो आपने अपना कार्ड नंबर डाला, अपना सीवीवी नंबर डाला, अपना एक्सपायरी डेट डाला, सारा डिटेल फिल किया जो भी डिटेल आपको मांगा जाता है, उसके बाद आपने पेमेंट कर दिया। अब आपको दोबारा फिर से पेमेंट करना है किसी को तो आपको फिर से वही प्रोसेस दोहराना होगा। यानी कि अब आप अपने एटीएम कार्ड नंबर को गूगल पे पे सेव करके नहीं रख सकते, उसे आप मैन्युअली ही यूज़ करना पड़ेगा, उसमें आप सेव नहीं करोगे। तो अब बात यहाँ पे आती है कि आखिरकार गूगल ये रूल लेके क्यों आ रहा है। तो फ्रेंड्स, सीधा सा बात यही है, होता क्या है, इससे सबसे बड़ी चीज़ रहती है सिक्योरिटी का। आप मैन्युअली तौर से जब आप करोगे तो हर बार आपको सीवीवी कोड डालना पड़ेगा, हर बार आपको अपना कार्ड डालना पड़ेगा। और उसी की तुलना करते हैं अभी, यानी कि 2021 में जो दिसंबर चल रहा है उसमें अभी बदलाव नहीं हुआ है, उसमें आप अपने गूगल पे में अपने एटीएम कार्ड को सेव करके रख देते हो, जिसके बाद आप अनलिमिटेड भुगतान कर सकते हो एक बार सेव करने के बाद। लेकिन 1 जनवरी 2022 से ऐसा नहीं होगा, जितने बार आपको पेमेंट करना है हर बार आपको अपने कार्ड की डिटेल भरना होगा। तो आई होप फ्रेंड्स, ये वीडियो आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा, उसके साथ ही साथ आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आखिरकार जो गूगल जो है ये रूल लेके आ रहा है वो कितना अच्छा है या नहीं है। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे आपका फुल सिक्योरिटी मिलेगा और कभी भी आपका अकाउंट हैक होने का चांसेस बहुत कम रहेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, उसके साथ साथ ही साथ चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं कल नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।